हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आए बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ मोना और यहाँ पे इतनी सारी मिट्टी है। आज मैं इस रूम की क्लीनिंग करने जा रही हूँ, मतलब क्लीनिंग वैसा नहीं, थोड़ी सी डीप क्लीनिंग, बेडशीट वगैरह पूरा हटा के और एक एक चीज़ अच्छी तरीके से पोछ पाछ के, मतलब वही डीप क्लीनिंग करूँगी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और सुबह सुबह का, अभी सुबह 11 बज रहे होंगे, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है। और फिर पूरे दिन समझ नहीं आता क्या करें, तो मैं धीरे 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 काम करती हूँ। सुबह सुबह काम हो जाता ना तो फिर पता नहीं चलता है कि क्या करें क्या नहीं करें। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ, आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैं कुछ लेके आई हूँ, मुझे स्पेशल बैठ के वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला कि हाँ इसको दिखाने के लिए, बट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए ये कैसा है, मुझे ज़रूर बताएगा। रुक जाइए, मैं इसको ना बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये बहुत प्यारी सी मेटल की चूड़ी है और इसमें क्या है ना, गोल्ड और सिल्वर मिक्स है। हाँ, गोल्ड कलर का बेस है और सिल्वर उसका वो लगा हुआ है इसमें नग। तो ये थोड़ा सा जो हैवी वाला है ना वो है, और इस टाइप में अगर गोल्ड के होते हैं। और ये सामने से फोकस नहीं ले रहा तो मैं इधर से ऐसे करके दिखा रही हूँ। बहुत प्यारी सी चूड़ी है और ये चूड़ियों के साथ जाएगी या फिर ऐसे सिंपल भी पहन लो तो बहुत अच्छी लगेगी। तो बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी, ऐसी जो भी है वीडियो ऐसी डाल दे रही थी, तो मुझे लगा कि वीडियो शुरू कर देना चाहिए और रूम क्लीनिंग कर दूँगी। और अब थोड़ी सी एक्साइटेड वीडियो मैं लाने की कोशिश करूँगी, सोचती हूँ मैं हमेशा कि मैं करूँगी। और अब माहौल थोड़ा सा यहाँ पे दिल्ली का सही हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ लाजपत नगर जाऊँ तो आप लोगों को ज़रूर लेके चलूँगी। मेरा बहुत मन हो रहा है, मैं पागल हो चुकी हूँ घर में बैठी बैठी, कहीं ना जाना ना कुछ। तो लाजपत नगर मैं ज़रूर जाऊंगी, शायद देखते हैं हस्बैंड की छुट्टी होगी तो उनको लेके जाऊंगी, अकेले मैं नहीं जाऊंगी। और आरुष को तो बिल्कुल लेके नहीं जाऊंगी क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मेरे साथ वो झेल जाएगा। हम शॉपिंग मॉल वगैरह जाएंगे तो आरुष को लेके जाएंगे, वरना लाजपत नगर हो गया, सरोजनी नगर हो गई, इन सब मार्केट में बच्चों को ले जाने लायक तो है ही नहीं। आप अकेले जाओ सबसे बेटर है, हस्बैंड के साथ भी ना जाओ क्योंकि वो लोग इरिटेट होते हैं। और वहाँ पे थोड़ा रोड साइड शॉपिंग करने में जो लेडीज़ को जो मज़ा आता है ना, वो जेंट्स को नहीं आता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाजपत नगर, सरोजनी नगर, ये सब मार्केट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हस्बैंड को लेकिन यहाँ पे मैं लेके जाऊँगी, कोई अगर मेरी दीदी वगैरह रहती तो मैं लेके नहीं जाती, इनके साथ नहीं जाती, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती ना कि इंसान हमारे चक्कर में कोई झेल रहा हो बिना मतलब का, बिना इंटरेस्ट नहीं है उसे, फिर भी हम उसे ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं। लेकिन मैं बोलूँगी तो मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है कि इरिटेट हो जाते, लेकिन हाँ एक लिमिट होती है ना हर चीज़ की, उसे उसको क्रॉस कर जाएगा तो फिर वही इरिटेट हो जाएंगे। तो हाँ, उन्हें नेहरू प्लेस का मार्केट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक के पीछे तो ऐसे दीवाने हैं ना, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है इलेक्ट्रॉनिक चीज़। मैं बैठ के बातें नहीं करूँगी, काम करूँगी। तो मेरी हालत देख लीजिए कितनी बुरी हो रखी है, इधर भी पूरा ऐसे पूरा मैसी हो रखा है। तो और एक चीज़ दिखाऊंगी तो आप सोचेंगे कि मैं क्या दिखा रही हूँ आप लोगों को। देखिए इन कबूतरों ने जो गंद मचाया हुआ है ना, और ये कचरे वाला रखा है। मैं फिर से आ गई हूँ, तो मैं अभी क्या करने जा रही हूँ, जो मैंने बताया था कि सफाई करूँगी, तो सोच रही हूँ इसे ना बदल लूँ। ये ग्रीन साड़ी के साथ का मैचिंग है तो, और ये लाख की चूड़ी है तो इसको बदल लेती हूँ, पता नहीं क्या लगे, और फिर मैं करती हूँ काम। तो देखती हूँ कौन सा पहनती हूँ क्या पहनती हूँ। तो मैं इसे नहीं बदलने वाली हूँ क्योंकि देखा मैंने कि इसका भी दो और बाकी है, तो मैं एक एक ही पहनती हूँ तो क्यों बदलना। और इसके साथ मैं और दिखाती हूँ आपको, आज मेरी पूरी वीडियो चूड़ी दिखाने में ही चली जाएगी। तो ये इसके साथ का दो, और दिखाती हूँ कितने प्यारे कलर। ये तो गर्मी से ना चिपक गए सब आपस में, इतनी गर्मी हो रही है। ये देखिए ये है पर्पल,
है ना प्यारे, बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपको कैसे लगे। और ये लाकी है और ये मेरा फेवरेट कलर है, ये और ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट कलर है, उन्होंने मुझे दिलाया है, तो अब ये मेरा भी फेवरेट ही कलर हो गया है ग्रे। अच्छा है ना, ये बहुत प्यारा लगता है। छोटा है क्या, इससे छोटा है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा रॉयल लुक देता है थोड़ा सा इसका ये। हाँ तो समझ रहे होंगे आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, वैसा है तो ग्रे वाला सबसे प्यारा है। तो मैं नहीं चेंज कर रही हूँ, क्या चेंज करना जब रखा हो और रख के क्या करना, पैन वॉश करो, तो इसलिए अब मैं पहन रही हूँ, मैं चेंज वेंज नहीं करूँगी। और जब ये अपना ख़राब हो जाएगी, चाहे बहुत जल्दी टूट जाती है तो देखेंगे, फिर दूसरा पहनेंगे। और वो सारी चूड़ियाँ हैं जो रखना है मुझे डब्बे में, डब्बे में नहीं उसमें जो मैंने मंगाया है चूड़ी वाला, तो रखूँगी तो मैं बताऊँगी आप लोगों से। और एक हो गई है ट्रेजेडी, वो भी बताती हूँ मैं आप लोगों से। जब बहुत दिनों से ब्लॉग बनाओ ना तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो आपके दिमाग में होती हैं कि ये भी बताना, ये भी बताना। जब मैं आप लोगों से बातें सारी शेयर करती हूँ तो मुझे लगता है कि ये सभी चीज़ें आप लोगों से, क्योंकि हर चीज़ शेयर करती। तो जिस दिन मैं मॉल गई थी अंगूठी लेने, उस दिन मैं लेके आई थी आरुष के लिए चप्पल, चप्पल स्लीपर जो भी बोली, इसको तो अब छूने में मुझे डर लग रहा है। ये है, ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको। और अभी मुझे ये छोटा लग रहा है और ये आरुष को छोटा हो गया है। नॉर्मल ये चप्पल रहता तो मैं कुछ नहीं, टेंशन नहीं होती। और ये मैंने सोचा कि चल थोड़ा सा पहनेगा तो पैसे वसूल हो जाएंगे, लेकिन पैसे इसके इतने जल्दी वसूल नहीं होंगे, ये क्रॉक्स के हैं। ये देख रहे हैं क्रॉक्स, मैंने भी नहीं पहना है कभी तक अभी तक इस क्रॉक्स के। और आज उससे थोड़ा सा पहना और ये हल्का सा थोड़ा सा गंदा हो गया। तो मैं जो पैसिफिक मॉल गई थी वहाँ से मैंने फ़ोन किया उनको कि ऐसे ऐसे बात है, आरुष बच्चे ने पहना नहीं है लेकिन ये छोटा हो रहा है, आप चेंज कर लीजिए। तो उन्होंने बोला कि हम कंडीशन देखेंगे चप्पल की, उसके बाद हम चेंज करेंगे क्योंकि आगे हमें भी बेचना पड़ता है। तो बट आरुष ने नहीं पहना है, इसका पीछे भी देखिए आप, ये पहना ही नहीं है, गया ही नहीं है कहीं पहन के, इसके पैर में हुआ ही नहीं, छोटा हो रहा। तो मुझे टेंशन इस बात की हो रही है कि इसका प्राइस, हाँ, और इसका टैग खो गया था। टैग मुझे आज मिला है, मुझे लग रहा था कि छोटा बड़ा होगा इसलिए टैग मैंने संभाल के रख दिया था, और कुछ ज़्यादा ही संभाल के रख दिया था। हाँ दिखाती हूँ, ये दिख रहा है 2495 रुपये MRP, और ये पूरी बुक ही है इसकी। ये देख रहे हैं पूरी बुक टाइप है ये, और ये मैंने संभाल के रखा हुआ है। तो ये रखा हुआ है मैंने संभाल के, और ये इतना महंगा है इस वजह से मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि पैसे यार लग जाते हैं, हम शॉप से लेके आए और उसे पहने भी ना, और इतने पैसे तो बहुत महंगा है। 2495, 2500 रुपये ही मान के चले आप, 2500 रुपये का स्लीपर, वो लड़का 5 दिन में ना पहने तो फ़ायदा क्या है। तो इसीलिए मैंने इसे अभी थोड़ा सा हल्का सा क्ले वगैरह लग गया था तो उसे पेयर कर दिया है, और ऐसे करके रखती हूँ। मैं चलूँगी साथ में आप लोगों को ले के चलूँगी, कि हाँ मुझे तो लग रहा है कि मेरे हस्बैंड बोलते मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं करवाऊँगा, रहने तो कोई बात नहीं, जितना पहनना होगा पहन लेगा, उसके बाद छोटा जाएगा कोई बात नहीं। लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हुई, मैंने उसे कॉल किया तो उन्होंने बोला, जैसे भी मैंने बताया, तो मुझे लगा कि आज मैं होके आ जाऊँ अकेली, लेकिन फिर बिना बताए भी थोड़ा सा डर लगता है, नहीं तो मैं चली जाऊँगी अकेले, जाकर मैं चेंज करवा के आ जाऊँगी जो भी बोलेगा वो। तो देखते हैं, हस्बैंड से अगर बात हो जाती है तो मैं, अगर अकेले जाना होगा तो मैं अकेले चली जाऊँगी, लेकिन इसको मैं चेंज करवा के आऊँगी। क्योंकि एक चप्पल मुझे एक बार अच्छा लगा था, वो 1600 या 1800 का था, क्रॉक्स का ही था, बट मुझे इतना महंगा लगा कि मैंने नहीं ख़रीदा, और इसके लिए ख़रीदा है। और ख़रीदा है तो चलो कोई बात नहीं, बस पहन ले, वही
मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इतना पैसा लगे, एटलीस्ट पहने तो सही, उसका यूज़ हो, उसके पैसे वसूल हो। कहते नहीं हम पैसे वसूल हो जाए भाई, लेकिन इसका पैसा भी वसूल नहीं होगा अगर आरुष नहीं पहना तो। मुझे बहुत बड़ी टेंशन है। हम लोगों के लिए होता है ना, खरीदने का तो खरीद लेते हैं, बट बहुत टेंशन होती है अगर नहीं पहनेगा क्या होगा उसका। इसका टैग मैं ढूंढ रही थी इधर उधर, कहीं मिल जाए। तो आज जब सफाई करने लगी तो मुझे इसका टैग मिल गया, तो मैंने इसे साफ करके और इसी के उसमें झोले में अच्छे से रख दिया है। अब मैं रिटर्न करने जाऊंगी ना तो बताऊंगी आप लोगों को क्या हुआ मेरे साथ, उसने क्या बोला, और हो सके तो मैं वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए कर लेते हैं सफाई, फालतू तो टाइम पास कर रही हूँ। टाइम पास तो नहीं है, बहुत बड़ी बात, अगर एक चेंज होता तो बहुत बड़ी बात। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, तो मेरी सफाई हो गई है, रूम क्लियर कर लिया है मैंने। इधर देखिए, ये तो बैग रखा हुआ है, और इधर ये देखिए, ये तो रूम हो गया एकदम क्लीन। अभी मैंने यहाँ पे पोछा लगाया था और इस कबूतरों ने ना फिर से पंख पंख कर दिया है। इन्होंने तो सच में इतना दिमाग खराब कर रखा है ना, अब इन्हें इसे यहाँ से हटाना पड़ेगा। बहुत देख लिया मैंने ना, बहुत ज़्यादा, तो देखते हैं अभी नहाऊंगी या नहीं नहाऊंगी। अभी चाय रख रखा है मैंने चेक गैस पे, चाय पियूंगी क्योंकि पानी नहीं आ रहा है, टंकी में पानी नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते क्या करते, नहाऊंगी तो नहाऊंगी, मिलते थोड़ी देर में।